सब कुछ आपका है, एडी से लेके जस तक आपका है, ठीक है, सब कुछ आपका है। लोगों को गुमराह करने का काम किया मोदी जी ने, लोगों को परेशान करने का काम किया मोदी जी ने। बीजेपी को आप लोग क्यों नहीं लाना चाहते हैं बिहार में? अब रहिए गिल कुछ हाई हाई फॉर्म लेके आ कब तक ढूंढल जाए मर्दे, चार साल छोड़ रेलवे की तैयारी करे वाला बा कोई? सुनिए, अरे सुनिए ना मालिक हाई, ये जी रेलवे स्टेशन है, अब 5 साल में कोई वैकेंसी बता दीजिए तो हम यही रह जाएंगे। ड्राइवर का वैकेंसी निकल मरते, ट्रेन चलावे का वैकेंसी निकल, ऊपर 22 गो लोकसभा के सीट गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाता है, साला पैसेंजर के बोगी बढ़ा देवे बिहार में, उतने में जय जय बा। बीजेपी तो लगातार बोल रही है कि हमने 4 स्टेट में चुनाव हुआ जिसमें 3 में हमारी जीत हुई। चुनाव का हिंदुस्तान चांद पर चुनाव जीत जा, हमार कहे का मतलब बा कि जब गुजरात में बुलेट ट्रेन चलता तो दिल्ली जाए वाला गाड़ी में बिहार से जनरल बोगी बढ़ा दो, जय जय बा। तो आप खुश हो जाएंगे अगर ये काम अगर बीजेपी कर देंगे तो आप खुश हो जाएंगे? अरे हो खबे ना करे उनका के, हमारा कहता कि जाके घंटी बजावा जनवरी फरवरी में हम तारा खाती ओपन करा देनी। तो बीजेपी 3 स्टेट में दिखा दिया, अपना विधानसभा का चुनाव में तो दिखा दिया। तो आपको क्या लगता है कि 24 में आएगी बीजेपी? फिर से 24 में बीजेपी आएगी? बोलिए सब लॉलीपॉप बा, जे इनकर लड़का होई पूछे को होई कि भैया रेलवे के वैकेंसी नहीं आवत तो का गुजरता, वो जे तैयारी करता नु पटना में है, जाके देखो महेंद्रू आ पटना कॉलेज के सामने तमाम लोग साला चानी पके बाल उड़ गए, बियाह नहीं खेत लेकिन के आ वैकेंसी नहीं आवत, क्या बात कर रहे हैं आप? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं, इसलिए आएगी क्योंकि जाति के प्राथमिकता होता है, कई लोग अपनी अपनी जाति से रिलेट करते हैं, फलानवा जाति गठबंधन चिलानवा में है तो हम वोकल तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं सेंट्रल सरकार का मतलब नहीं हो पाता है, लोकसभा सीट है 40 लोकसभा, बीजेपी फिर भी 25 सीट लाएगी। बात सुनिए, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, लाइए ना रोजगार ला दीजिए हम लेके। सुनिए बिहार हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट है, एक नौजवान यहाँ बोल रहा है तो ऐसे नहीं ना बोलते, इसके विजन इसके ताकत को आप तर्क मध्य प्रदेश राजस्थान ही ना हो, यहाँ एक एक चीज देखा जाला ऊपर नीचे सब चीज। इससे पहले भी तो 39 सीट बीजेपी भैया गांधी मैदान में बम ब्लास्ट भाई रहे मोदी जी के समय, अरे बम ब्लास्ट गांधी मैदान में 39 था वाले भैया, ए भैया 39 सीट कहा था गांधी मैदान में, बम गांधी मैदान के बम ब्लास्ट में जे लोग मरल ओकरा का भइल? अरे भैया 2014 में ओकरे से नहीं फर्स्ट बार आए थे बिहार में, फर्स्ट बार आए थे बम कांग्रेस कराया था, बम चला था। मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं धमाका क्या होता है? हम सवाल सुनिए भैया, भैया मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ धमाका क्यों होता है? गांधी मैदान में एक उम्मीद एक सुनिए, एक उभरता हुआ नेता पीएम के उम्मीदवार पे आते हैं गांधी मैदान में और उस तरह का बम धमाका होता है, क्या वो रैली रद्द नहीं हो सकता था? आए वो रैली को चमकाने का काम किया गया है, वो रैली को चमकाने का काम किया गया है, रैली को चमकाने का काम किया। अगर उनको न्याय चाहिए बिहार से न्याय, तो जो लोग मौत के घाट उतार गए गांधी मैदान में वो मोदी जी के लिए ना आए थे कि भैया 20 लाख बोली लगाता 1000 करोड़ बिहार को दे देनी, मर गई लन आदमी गांधी मैदान इंच का सीना बोलते हैं प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना बोलते हैं कि हम बहुत सुरक्षा करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पर मेरा डंका बज रहा है, कांड हमेशा तो उन्हीं के राज में हो रहा है, हमारे 42 जवान शहीद हो जाते हैं किसके सरकार में? आपकी सरकार में होती नहीं, बड़ी कांड जहाँ पे कबूतर भी बिना इजाजत के नहीं जाता है वहाँ 300 किलो आरडीएस कैसे चल जाता है भैया? 300 किलो आरडीएस कैसे चल जाता है? आप नया संसद बनवाते हैं वहाँ पे बिना परमिशन के गैस कैसे चला जाता है? कैसे चल जाता है भैया? 56 इंच का सीना है आपका, वहाँ गैस कैसे चला जाता है? जैसे 3 राज्य में भारी मतों से उनका विजय हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में हो? हम लॉजिक वाला बात करना चाहते हैं भैया, सीना विकास वाला और एजुकेशन वाला बात करते हैं, हम कहना सवाल ये करना चाहते हैं कि जापान ने वो मशीन बनाने का काम किया ईवीएम, क्या ईवीएम से जापान में चुनाव होता है? वहाँ बैलेट पेपर पर होता है, तो क्या आपत्ति हमारे चुनाव आयोग को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बैलेट पर चुनाव करवाने में क्या आपत्ति है? जब आपको शक है तो बोले भी थे कि आप जांच करवा लीजिए,
बोले थे कि जाके भैया चोरी जो है ना वो सोच समझ के लोग करता है, ठीक है। और बड़े बड़े दिखाए थे वो चोर नहीं है। ऐसा रहता तो चारों राज्य में सरकार बना ले भैया। बूथों तो लूटा जाता है, पहले बीबीएम पर चुनाव हुआ है। अगर बीबीएम अगर गलत होता तो सरकार होता है। चुनाव आयोग के जो लोग रिटायर होता ना, ईडी सीबीआई चाहे जो भी, अच्छा चुनाव आयोग में ओकर कहा जाता है सुन पोसुआ कुत्ता बड़े 2 साल हमारा खाते काम कर ले चोर 2 साल तो ड्यूटी और बढ़ा देता नहीं। 2 साल चुनाव आयोग में जे 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 लोग बा ओकर एक्सटेंड हो जाता, रिटायर हो गइल, बुढ़ा गइल, चाली पके बाल उड़ गइल। लेकिन सरकार ने तानाशाही की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपका है, एडी से लेके जस तक आपका है, ठीक है। सब कुछ आपका है, लोगों को गुमराह करने का काम किया मोदी जी ने, लोगों को परेशान करने का काम किया मोदी जी ने। सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार का सरकार भी तो है।